लोगों को वही दिखता है जो हम दिखा रहे हैं। जिस दिन असलियत दिख गई ना, कोई पलट के भी नहीं देखेगा हमें। नेगेटिव बात है साला, नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे, साला हमारा दोनों ही नहीं है। लड़कियों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, लौटना मुश्किल हो जाता है। नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत को अच्छी रखो। ये नहीं कि तुम कोई बॉडी बिल्डर बन जाओ, मगर इतनी तो सेहत तुम्हारी होना कि अगर तुमको कोई एक पंच मारा तो तुम गिरना नहीं, तुम उठ के खड़े हो जाना। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं। लोगों के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दिया है मैंने दोस्त। वो क्या है कि महंगाई का जमाना है और अब मैं सिर्फ कमाने की सोचता हूँ। कामयाबी को तलाश करते करते गुजर गई जवानी मेरी, अब पता चला खुद से बड़ा हम सफर कोई नहीं। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौन, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कदम बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। भाई, जब इंसान के अंदर जीतने का जुनून हो ना, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। संस्कार ही ऐसे मिले हैं कि साला दिल से उतरे हुए लोगों से भी इज्जत से बात करनी पड़ती है। अपना एटीट्यूड कहीं और दिखाओ, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जान, कि तुम बदल जाओ या अपनी गण मराओ। सुबह 4 बजे उठने का मन तो हमारा भी नहीं करता मेरे भाई, लेकिन उन लोगों को भी तो गलत साबित करना है जिन्होंने हमारे माँ बाप को बोला था कि तेरा बेटा नहीं कर सकता। हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। औरत इतनी नाजुक है कि छिपकली से डर जाती है, लेकिन जब माँ बनती है तो मगरमच्छ से लड़ जाती है। कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे, उस कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। अभी तो मुकाम पे पहुंचा भी नहीं मैं, बस मेहनत ही इतनी खतरनाक चल रही है कि लोगों की अभी से जलने लग गई। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती ना करना, क्योंकि वक्त हमेशा चेहरे याद है। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो, पैसा नहीं है जेब में हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। रस्ते पे जिम जाओ, जो सब लोग कर रहे हैं करो। बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सिंपल। वो बेस्ट वर्जन बनते बनते आपको दिखने लग जाएगा आपको क्या क्या करना। पहले घुसो, 3 महीने में बॉडी नहीं बनेगी, 6 महीने में नहीं बनेगी, 2-3 साल लगाओ। रे खुद की कमाई तो बनाया जा रहा शरीर, या मुआवजे के पैसा थे खेत बेच के ना बना रहे, और फिर भी अगर हम तुम जैसे तो दब जा, फिर तो हम खामा खा जिम जा रहे हैं। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अगर तुमसे कोई बात नहीं करता, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो भाई। जब लोग तुम्हारे स्टोरी को देखते लाइक करना बंद कर देना, समझना जल रही है सालों। ये मत सोचना कि भूल गया हूँ, नाम चेहरा औकात सबकी याद है। देखो फर्क उसे पड़ता है जिसके पास कोई एक हो, जिसके पास हजारों हो यार, उसे किसी एक के चले जाने से फर्क नहीं पड़ता, समझे ना। नहीं, जिद है मेरे दोस्त, एक दिन कामयाब तो होकर रहेंगे। अगर तुम मेरी हर जगह बुराई सुन रहे हो तो अच्छी बात है, सफाई में किसी को नहीं देता। तुम सोच रहे हो मैं बुरा हूँ, मैं राक्षस हूँ, पढ़ लो।
क्या बनना हो तो इतना बनना कि ना तुम्हें कोई सुधार सके और ना तुम्हारा कुछ उखाड़ सके। दूध पीने से आती है, दूध देखने से नहीं। सो नोटेड माय पॉइंट। हर कामयाब इंसान के पीछे हर बार औरत का हाथ नहीं होता, कुछ अपने दम पर भी आगे आते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी मुश्किल क्यों है, जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। मैंने तुझसे कहा था ना, इस खेल में दम की जरूरत होती है, अगर दम है तो ये खेल जीत कर दिखा। हजार बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है, गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना मेरे दोस्त, तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें खुद भी नहीं है। तकलीफ ताकत की आजमाइश है और दर्द कामयाबी की सीढ़ी। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाइए, क्योंकि इंसान बड़ा खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। भाई मेहनत कर करके ना अपने कद को इतना ऊंचा कर लो कि साला किस्मत को भी तुम्हारे आगे झुकना पड़े। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे नाम से, वाह, मगर नजरअंदाज करने वालों से हम भी नजर नहीं मिलाते। वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, वादा है बहुत बेहतरीन मंजर दिखाएंगे। अच्छा बन कर देख लिया दोस्त, यकीन मानो मजबूर कर देती है दुनिया बुरा बनने के लिए। मोहब्बत सिर्फ करना आसान है, मोहब्बत सहना बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल करना पड़ता। हर फूल गुलाब नहीं होता, हर नशा शराब नहीं होता, किया जाता है जनाब, हर माँ का बेटा खराब नहीं होता। बॉडी बनाने में मेहनत लगती है मेरे भाई, यूं चार दिन के मोटिवेशन और शाम को हिलाकर सो जाने से बॉडी नहीं बना करती। लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। होने वालों ने अब खो दिया मुझे, पाने वाला अपनी किस्मत पे रश करेगा। हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन धड़कनों में नशा सिर्फ जीत का ही होना चाहिए। तेरा नाम तो नहीं लूंगा, पर सवाल कर रहा ना, बदला जरूर लूंगा। प्यार करके दिल तोड़वाने से अच्छा है जिम जाके मसल तोड़ो, उस दर्द में सुकून मिलेगा। देखो यार, ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, मगर किस्मत ने अगर थोड़ा सा भी साथ दे दिया ना, तो इस साल बहुत से लोगों की जलने वाली है। जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। विरासत से दो चीजें मिली, मैं आपको बताता हूँ। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना। राइट, ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग, कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है मेरे भाई, इसलिए तो आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। अपने किरदार में थोड़ी अकड़ रख लाला, वरना जिन तारों में करंट नहीं होता ना, लोग अक्सर उसको मुंह से छील देते हैं। अगर तुम्हें कामयाबी नहीं मिल रही है तो निराश मत हो, क्योंकि कामयाबी कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जंगल के बिगड़े शेर कुत्तों के काबू नहीं आते, फिर चाहे कुत्ते कितनी ही तगड़ी नस्ल के क्यों ना।
हम तो चाहते हैं कि लोग हमसे नफरत करें, क्योंकि मोहब्बत तो वैसे भी सच्ची नहीं होती। न कागज न कलम न किताब से सीखा है जिंदगी जीने का हुनर, अपने बाप से सीखा है। उम्र मत देखिए जनाब, जिगर पूरा सिस्टम हिलाने का रखते हैं। दोस्त ऐसे रखो जो बुरे टाइम में काम आए, ऐसे नहीं जो सिर्फ लंडियों के लिए काम आए। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो लहरों की औकात भी देख ही लेंगे। जैसे सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्क के बाहर आशिकी करते हैं, कुछ लोग कॉलेज के बाहर करते हैं, मैंने औकात के बाहर की। लॉन्डों को अटेंशन चाहिए, मर्दों को प्यार और इज्जत, लेजेंड्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो मेरे भाई? सर्दी आने वाली है, कुछ लोग कंबल के लिए लड़ेंगे और अपन डंबल के लिए। जिसने जो औकात दिखानी हो दिखा सकता है, पर सच में तैयारी ऐसी चल रही है कि लिख के देता हूँ 2025 अपना होगा। भाई सीना जब चोड़ा जाता है मेरी माँ का, जब मैं ठेके से नहीं जिम से घर जाता हूँ। भाई शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा वीडियो सारे जिम लवर भाई। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है कष्ट। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ कसम खाने वाला नहीं दारू पीने वाला सच बोलता है। ये लड़का अपना दम पे खड़ा हुआ है मेरे दोस्त, ऐसे ही नहीं डर सकता। मैं वो सब काम करता हूँ जो हर कोई नहीं कर सकता। और मेरी जान मेरी खामोशी पर न जाना, मैं हंसते हंसते तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा। अगर आपके पास बेवजह दुश्मन बहुत ज्यादा है ना, या तो आपकी बुद्धि बहुत तेज है या आपका किरदार बहुत खूबसूरत है। अपने देखने से बॉडी नहीं बनती दोस्त, उसके लिए हर दिन जिम में जाकर पसीना बहाना पड़ता है, खुद को जानवर जैसा ट्रीट करना पड़ता है। शुरुआत में बहुत दर्द भी होगा पर एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी हमेशा चलते रहने का नाम है। लाइफ कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा, तुम बस रुको मत, तुम बस हिम्मत करके चलते रहो, तुम खुद देखोगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जब तक इंसान मजबूर नहीं होता ना, तब तक मजबूत नहीं होता। अरे इज्जत करो उस महारानी की जिसने तुम्हें राजकुमार की तरह पाला है। क्यों प्यार की भीख मांगते उन भिखारियों से जो खुद दूसरों के पैसों की भूखी है। दबते किसी सुना है, बात कुछ और है। बहुत लंबी जिंदगी है मेरे भाई, देख लेंगे किसमें कितना जोर है। हमारे बारे में इतना मत सोचा करो, यानी यकीन करो अकल से हाथ धो बैठोगे। जंगल के बिगड़े शेर कुत्तों के काबू नहीं आते, फिर चाहे कुत्ते कितनी ही तगड़ी नस्ल के क्यों ना। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही कि सर गर्मी बढ़ी, एसी बढ़ा दो, ये कर दो खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिससे काम याद आ रहा है। मैं हारूंगा नहीं ये बात मैं जानता हूं, चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है।